ऑल आर फाइन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 2, मीना एंड द बेबी स्पैरोज। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन मीनास हाउस। मीना के घर में सब लोग क्यों बहुत खुश थे। देयर वाज ग्रेट जॉय इन मीनास हाउस बिकॉज हर आंट वाज गेटिंग मैरिड एंड दे वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। मीना के घर में सब लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि मीना की जो आंट थी उनकी शादी थी और वो लोग शादी के लिए सब लोग दिल्ली जा रहे थे। 2, व्हाई वाज मीनास मदर अपसेट। मीना की मम्मी क्यों अपसेट थी, उदास थी। मीनास मदर वाज अपसेट बिकॉज मीना डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर द वेडिंग। मीना की मम्मी अपसेट थी, उदास थी क्योंकि मीना शादी के लिए कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी। 3, व्हाई डिड मीना स्टार्ट क्राइंग। मीना ने क्यों रोना स्टार्ट कर दिया। मीना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरोज। मीना ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मीना 2 बेबी स्पैरोज थे, उनके लिए बहुत ही चिंता दूर थी। 4, वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट। जो बेबी स्पैरो थे उनका नेस्ट कहाँ पर था। तो द स्पैरोज नेस्ट वॉज ऑन द बुक सेफ इन मीनास रूम। स्पैरोज का नेस्ट मीना का जो रूम था उसमें बुक सेफ के ऊपर था। 5, हाउ मैनी बेबी स्पैरोज वेयर देयर इन द नेस्ट। नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो थे। देयर वेयर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। नेस्ट में 2 बेबी स्पैरो थे। 6, व्हाट डिड मीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरोज। मीना ने अपनी मम्मी को बेबी स्पैरो के बारे में क्या कहा। मीना टोल्ड हर मदर दैट द बेबी स्पैरोज वेर ग्रोइंग अप एंड सो दे वेर सो हंग्री दैट दे क्राइड फॉर फूड द होल डे। मीना ने मम्मी को बोला कि मम्मी बेबी स्पैरो बड़े हो रहे तो उनको ज़्यादा भूख लगेगी और पूरे दिन उनको खाना चाहिए और उन लोगों को खाना नहीं मिला तो वो लोग रोने लगेंगे। 7, व्हाई वॉज मीना वरीड। मीना क्यों बहुत चिंतातुर थी। बिकॉज इफ दे वेंट टू दिल्ली द हाउस वुड बी लॉक्ड एंड पापा एंड मामा स्पैरोज वुड नॉट बी एबल टू फीड द बेबीज। तो वो लोग शादी में दिल्ली जा रहे थे तो वो घर को लॉक कर जाएंगे तो मम्मा एंड पापा स्पैरोज थे वो अपने बेबीज को खाना कैसे खिलाएंगे, इसीलिए मीना बहुत चिंतातुर थी। 8, व्हाट डिड मदर सजेस्टेड। मम्मी ने मीना को क्या सजेस्ट किया। मदर सजेस्टेड दैट दे वुड कीप द विंडो ओपन सो दैट पापा एंड मामा स्पैरोज कुड कम एंड गो फ्रीली। तो मम्मी ने मीना को सजेस्ट किया यानी कि एक आइडिया दिया कि हम लोग विंडो को ओपन रख कर जाएंगे तो जो मम्मा एंड पापा स्पैरो है वो आसानी से अंदर आकर अपने बेबी स्पैरो को खाना फ्रीली खिला सकते हैं। नेक्स्ट 9, व्हाट डिड मीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग। मीना जब शादी में से वापस आई तब वो क्या ढूंढ रही थी, उसे क्या देखा। व्हेन मीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड 2 फैट लिटल स्पैरोज फ्लाइंग इन द रूम। तो मीना जब शादी में से वापस आई तब मीना ने देखा कि जो लिटल स्पैरो थे वो अब बड़े हो गए और पूरे रूम में वो लोग फ्लाई कर रहे थे। 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें 1 ऑप्शन को चूज करके जो बॉक्स दिया है उसमें हमें आंसर लिखना है। 1, एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज आंसर में आएगा डी, दे वेर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। 2, मदर वॉज अपसेट बिकॉज मीना डिड नॉट बाय एनीथिंग। 3, हु वॉज नॉट हैप्पी, कौन खुश नहीं था। तो सब लोग खुश थे, सिर्फ मीना थी जो खुश नहीं थी, अपसेट थी, अनहैप्पी। तो आंसर आएगा ए, मीना। 4, व्हाट वॉज देयर ऑन द बुक सेफ इन मीनाज रूम। तो आंसर क्या आएगा, मीना के बुक सेफ के ऊपर क्या था, स्पैरोज नेस्ट। तो हमें आंसर में लिखना है डी। 5, मीना वॉज वरीड अबाउट बेबी स्पैरोज। मीना चिंतातुर थी बेबी स्पैरो के लिए। 6, हाउ मैनी बेबी स्पैरोज वेयर देयर। वहाँ पर कितने बेबी स्पैरो थे। 2, ऑप्शन में लिखना है बी।
सेवन नंबर, वेयर वॉज द नेस्ट, नेस्ट कहाँ पर था? ऑन द बुक सेफ, मीना के रूम में जो बुक सेफ था उसके ऊपर नेस्ट था। एट नंबर, द बेबी स्पैरोज क्राइड फॉर फूड द होल डे बिकॉज दे वेयर ग्रोइंग अप। बेबी स्पैरो थे वो पूरे दिन खाना खाने के लिए रोएंगे क्योंकि अब वो लोग बड़े हो रहे तो उनको भी भूख ज़्यादा लगती है। नाइन नंबर, वॉट वॉज नीना वरीड अबाउट? हाउ पापा एंड मामा स्पैरोज वुड फीड द बेबीज। टेन नंबर, मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन। इलेवन, वेन नीना कम बैक टू प्लम्प लिटल स्पैरोज वेर फ्लाइंग अराउंड। क्वेश्चन थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर जो वर्ड्स दिए वो वर्ड्स को हमें जो FIB दिए उसके अंदर हमें फिल करना है। वन नंबर, नीना डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द वेडिंग। सेकेंड नंबर, देर वॉज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेफ। थ्री, देर वेर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। फोर, मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन। फाइव नंबर, वेन नीना कम बैक टू प्लम्प लिटल स्पैरोज वेर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम।